नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। सितारगंज क्षेत्र के गांव पटिया बिस्टी में बड़ी संख्या में टिड्डियों के दल को देखा गया, जिसके बाद किसानों में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही फसलों को लेकर किसान चिंतित बैठे हुए हैं। देखिए, सितारगंज क्षेत्र के गांव पटिया बिस्टी में टिड्डी दल देखे जाने को लेकर क्षेत्र के किसान परेशान हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यूपी बॉर्डर एरिया से टिड्डी दल उत्तराखंड में प्रवेश कर रहा है। शुक्रवार शाम होते होते खटीमा क्षेत्र से टिड्डियों का दल सितारगंज क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। शाम के वक्त पटिया व बिस्टी गांव के आसपास बड़ी संख्या में टिड्डियां उड़ती हुई देखी गई है, जिससे क्षेत्र के किसान परेशान हो गए हैं। कृषि विभाग सितारगंज के केसी पंत द्वारा बताया गया कि टिड्डी दल रात को ही हरी फसल पर बैठता है और कुछ देर में ही पौधों के पत्तों को चट कर जाता है। पंत ने बताया कि बाग बगीचों में व फसलों के आसपास धुआं करें या कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करें या फिर गंध वाली दवा का छिड़काव करें। किसान तेज आवाज वाली वस्तुओं को बजाकर भी टिड्डियों को भगाया जा सकता है। इससे टिड्डी दल फसल पर नहीं बैठेगा और उड़ते हुए निकल जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान से चलने वाला टिड्डियों का दल अब सितारगंज पहुंच चुका है। सितारगंज के निकट बिस्ट पटिया में गांव पर उपस्थित एक डॉक्टर ने बताया कि टिड्डियों का ये दल लगभग 6 बजे के समय पटिया ग्राम में देखने को मिला, लेकिन जानकारी कुछ इस तरह की प्राप्त हुई कि यहां आने से पहले पिछले वाले गांव में टिड्डियों के द्वारा 5 एकड़ खेती नष्ट कर दी गई। खेती को बचाने के लिए ग्राम वासियों और किसानों ने ध्वनि यंत्र बजाए, ट्रैक्टर चलाए और टिड्डियों को भगाने का एक दूसरे का भरपूर सहयोग किया। शोर मचाकर ग्राम वासियों ने टिड्डियों को भगा दिया। सितारगंज क्षेत्र व आसपास के गांव में अराजकता का माहौल रहा। किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। लगभग 6 बजे का टाइम था, एकदम ऐसा झुंड आया, पटिया वाले देखते एकदम घबरा गए, ये क्या आ गया। मतलब जानकारी मिली है पीछे बिस्टी से, पीछे कोई गांव है उसमें लगभग 5-6 एकड़ टिड्डियों ने नष्ट भी कर दिया। हाँ जी, ये सितारगंज से ऐसे घूमता तिगड़ी फार्म सितारगंज की तरफ, दोनों की तरफ चला गया। इतनी हल्ला गुल्ला, बिल्कुल ट्रैक्टर भी भगाए हैं, सन सब उतार के हल्ला गुल्ला भी बहुत किया। मेरा नाम सुखविंदर सिंह।